हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सेट की 2018 की मॉडल आंसर लाइफ साइंसेस के उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर में अलग अलग गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या है। तो इसका आंसर रहेगा अमोनिया, इसका आंसर रहेगा डी, जिसमें अमोनिया सबसे ज्यादा सॉल्युबल रहता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस तरीके से इसका आंसर रहेगा डी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में आपको मैचेस कराने हैं, राइट मैचेस। इसका आंसर रहेगा सी। इसका रीजन ये है कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट अटैच हो जाता है मोनोसैकेराइड से, और ऐसे ही मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलके बनाते हैं पॉलीसैकेराइड। जब ग्लूकोज आपस में मिल दे जाएंगे तो बनेगा ग्लाइकोजन, और इसलिए इसका जो बी है वो रहेगा फोर्थ नंबर पे। और देखते हैं सीडीपी, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडाइफॉस्फेट कोलिन के साथ अटैच होके ये आपको लिक्विड बायोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है, इसलिए आंसर रहेगा आपका डी, क्योंकि दोनों ही मैचेस सही बैठते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको पूछा गया है कि ईएमपी साइकिल मतलब कि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना और उससे की एनर्जी प्रोवाइड होना। तो अब इसमें जो हिंदी वर्जन है, इसमें पहला जो ऑप्शन है वो गलत टाइप हो गया है इसको, इसलिए हम इंग्लिश वर्जन रिफर करते हैं। तो ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में कन्वर्जन, जी हाँ, ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में कन्वर्जन होता है, एथेनॉल जिसको हम कहते हैं, अगर हाइपोक्सिक कंडीशन है, एनरोबिक कंडीशन हो। और दूसरा ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन PGAL, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में आप देख सकते हैं इसमें जो फ्रक्टोज का एल्डोलेशन होता है तो वो टूटता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या फिर फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। फिर आता है आपका तीसरा रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुविक एसिड, जी हाँ, पाइरुविक एसिड ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस का फाइनल जो प्रोडक्ट होता है पाइरुविक एसिड है, जिसको पाइरुवेट कह सकते हैं। और कन्वर्जन ऑफ पाइरुविक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये जो प्रोसेस होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, तो इसलिए इसका आंसर पूरी तरह आएगा डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स को उसके से सेपरेट करना है साइज के आधार पर। साइज के आधार पर हम सेपरेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉलम क्रोमेटोग्राफी या फिर जेल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल सबसे पहले निकल जाते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल धीरे धीरे, जिसके आधार पर हम साइज के आधार पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में सिर्फ एक कंफ्यूजन बैठेगा, एचआईवी। जैसे हम जानते हैं कि एचआईवी के कारण होता है एड्स, विच इज एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इसलिए ये आंसर रहेगा डी, क्योंकि जो HLV-1 है वो कॉज करता है एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया, दैट इज कि टी सेल का जो बनना हो जाएगा ऑलमोस्ट हॉल्ट हो जाएगा, और हॉल्ट नहीं होगा, टी सेल का नंबर बन जाएगा, नॉन फंक्शनल टी सेल का नंबर बनने लग जाता है। और देखते हैं हर्पीस वायरस के कारण होता है कैपोसिस सार्कोमा, और एप्स्टीन बार वायरस के कारण होता है बुर्किट्स लिम्फोमा, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर रहेगा डी, विच इज एचआईवी के कारण रेटिनोब्लास्टोमा नहीं होता, एचआईवी के कारण होता है एड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में बहुत ही इजी था, क्योंकि आप देखेंगे कि जो सर्टोलिसेस है, सर्टोलिसेस का रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि ह्यूमन टेस्टिकल्स में स्पर्म का डेवलप होना, जिसके लिए सर्टोलिसेस करती है नर्सिंग का काम। नर्सिंग मतलब कि जो सेल्स हैं स्पर्मेटोजेनियम के, जो सेल्स हैं वो आपस में मेटामॉर्फोसिस होके स्पर्म बनाना, तो उसके लिए हेल्प करता है सर्टोलिसेस, और आता है इसलिए वो का डी रहेगा। और जी देखते हैं मियोसिस को हम रिडक्शन डिविजन भी कहते हैं, क्योंकि मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम होंगे उस प्रोजेनी सेल में होंगे पूरी तरह हाफ क्रोमोसोम, इस कारण इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शन डिविजन कहते हैं। और उसी तरह के नॉन फ्लेजलेट जो स्पर्म्स होते हैं उसका एस्कैरिस में होते हैं, और जीवन फेज ऑफ जो साइकिल होता है, जीवन फेज होता है वो अर्ली क्लीवेज स्टेज सेल्स में, मतलब कि जो क्लीवेज होता है एम्ब्रायो में, तो उसके उस टाइम में जीवन फेज नहीं होता, इस कारण जो साइज ऑफ द सेल जो है वो बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में जो फ्रॉग डेवलपमेंट है, फ्रॉग डेवलपमेंट की एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, तो एम्ब्रायो में पहला डिवीजन होता है, जो पहला दूसरा और उसके बाद तीसरा डिवीजन पूछा गया है यहाँ पे, थर्ड डिवीजन या तीसरा डिवीजन होता है इक्विटोरियल, मतलब कि इस डिवीजन से दोनों दो बराबर भागों में टूटता है एम्ब्रायो, और ये जो होता है इक्विटोरियल होता है,
और ये होता है सीधी सीधे, मतलब कि वर्टिकल लाइन में, इसलिए इसका आंसर रहेगा वर्टिकल इक्विटोरियल, सीधा सीधा खड़ा खड़ा और पूरे दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में पूछा है कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है। राइट स्टेटमेंट को देखते हैं कि मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन, किसी कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन में जी नहीं, हर किसी में कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन नहीं होता है, हमेशा फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन मिलकर ही वो मेजर कंपोनेंट होते हैं। देखते हैं अलग अलग सेल्स के जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड कंटेंट है, इसमें आप देखोगे मेजर कंटेंट होता है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का, इसका आंसर रहेगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है कैंसरस सेल की, कैंसर सेल के कौन कौन से गुणधर्म नहीं है। तो कैंसरस सेल के इतने सारे गुणधर्म है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है कि सेल लाइन में जो कैंसरस सेल लाइन है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती, मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है कि अगर उस सेल के साइड में और सारे सेल्स के पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं तो ज्यादा सेल्स के नंबर होने के कारण उनका ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं दिखती है, लॉस ऑफ एंकरेज डिपार्टमेंट और ये एपोप्टोसिस नहीं होता है, लेकिन इनको कम से कम मात्रा में ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है, जो कि आपको दिया गया है कि इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत होती है, जो कि पूरी तरह की गलत है, इसलिए इसका आंसर रहेगा सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म जो एक स्टेज होता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट का, इसमें जो सेंटर का जो जगह रहता है जिसमें लिक्विड भरा रहता है उसको कहा जाता है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, ब्लास्टोसील। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किससे ज्यादा बाइंडिंग शो करता है या फिर एफिनिटी शो करता है। तो देखते हैं कि जब जो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड है, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए जो हमेशा सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट वातावरण में रहने पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन से भी जल्दी जुड़ने लग जाता है हीमोग्लोबिन में, इसलिए इसका आंसर रहेगा बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10^-10 मीटर, मतलब कि मीटर का 10^ वाला भाग, तो अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10^-7 हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा सी। फिर देखते हैं कि पैरासाइट्स, प्रोटोजोन पैरासाइट, ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले प्रोटोजोन पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स में देखेंगे एंटमीबा, एंटमीबा पैरासाइट होता है ह्यूमन में और कॉज करता है एमीबियोसिस नाम की डिसीज, और गियारडेसिस जो डिसीज होता है गियारडिया के कारण होता है, तो इसके लिए इसका आंसर जो बी है वो करेक्ट है। फिर देखते हैं कि जो लिस्मैनियासिस, जो लिस्मैनिया डिनोविया के कारण होता है और प्लाज्मोडियम के कारण होता है मलेरिया, तो इसके कारण आपका पहला और दूसरा मतलब कि ए और बी दोनों आंसर करेक्ट होते हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी, बोथ ए एंड बी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसमें टोटली स्टेटमेंट्स रिलेटेड है ग्राम स्टेनिंग से, तो इसका डिस्कवरी किया था क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में, और एक बोल रहा है कि उसके कंपोनेंट्स, तो पहले देखते हैं इसका, जी हाँ, इसका जो खोज किया था क्रिश्चियन ग्राम ने, जो कि डेनिस डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, इन्होंने 1884 में इसका डिस्कवरी किया था, और इसका प्रोसीजर होता है क्रिस्टल वायलेट से हम पहले स्टेन करते हैं, जो कि स्टेन करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर घुस जाता है बैक्टीरिया के, और उसको फिक्स कर देता है आयोडीन, उसके कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जब इथेनॉल होता है एक्स्ट्रा कलर को निकालने का, स्टेन को निकालने का काम करता है, जिससे कि ग्राम नेगेटिव जो सेल्स हैं वो भी स्टेन ना हो जाए, और फिर जो ग्राम नेगेटिव स्टेन को विजुलाइज करने के लिए हम सेफ्रेनिन का यूज करते हैं, इसलिए इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों ही स्टेटमेंट होंगे सही, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, वाटर बॉडी, वाटर बॉडी जो जलाशय में जो यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, यूट्रोफिकेशन मतलब कि जो ऑटोट्रॉफिक एनवायरनमेंट है वाटर बॉडी का वो कन्वर्ट हो जाना यूट्रोफिक में, तो जब नाइट्रेट और फॉस्फेट का कंटेंट बढ़ने लग जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, और इसके कारण एल्गल ब्लूम होता है, एल्गी का नंबर उस वाटर बॉडी में बढ़ने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पूछा गया है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन इसका क्लियर कट आंसर रहेगा
कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप देख सकते हैं न्यूक्लियॉइड जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि पूरी तरह न्यूक्लियस नहीं कह सकते, इसलिए इसका जो इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस या फिर अस्पष्ट नाभिक वाला भी सही है, और जो बी है जिसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा डी, और जिसमें कहते हैं कि बी और सी दोनों करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राइट आंसर आपको मैच कराने थे, तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जो हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कम हानिकारक है, तो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर का वर्क होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो इससे डायरेक्ट कनेक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड का। फिर आपका जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसमें जब पार्टिकुलेट मैटर कंटेनिंग गैसेस इस उपकरण से गुजरती है तो पार्टिकल्स जो है इस उपकरण में चिपक जाती है, जिसके कारण आप पार्टिकल फ्री गैस आपको हवा मिलती है, और इसलिए इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का पार्टिकुलेट मैटर से। तो ईयर मफ जो होते हैं कान में लगाने के लिए, जहाँ पे हाई नॉइस होता है, बहुत ज़्यादा आवाज रहती है, तो उस जगह में हम ईयर मफ लगाते हैं, और लैंडफिल जहाँ पे शहर के कचरों को डंप किया जाता है उसको लैंडफिल कहते हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से गैसेस ज़्यादा कॉज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर जो वायुमंडल में प्रेजेंट है वो कॉज करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा बी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और सीएफसी को इस सीक्वेंस में रखा गया है। आरएफएलपी में क्या होता है कि किसी जीनोम में प्रेजेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो टारगेट साइट है उसको हम उसके कारण उसमें कटिंग्स होते हैं, जिसके कारण अलग अलग पर्सन के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग अलग मिलते हैं, तो हम इसके थ्रू दो जीनोम के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज है, अगर वो सिमिलर होंगी तो दोनों का फ्रेगमेंट जो बराबर मिलेगा, और सिमिलर नहीं होगा तो बराबर नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसका यूज करते हैं जेनेटिक या डीएनए होमोलॉजिस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि 20 नंबर में 5. जो पीसीआर का प्रोसेसिंग होता है 5.23 ट्रांसक्रिप्ट का हम मैपिंग कर सकते हैं, और जो S1 न्यूक्लियस है, S1 न्यूक्लियस कभी भी आरएनए और डीएनए हाइब्रिड को क्लीव नहीं करता, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो गलत है, और सी ऑप्शन हमेशा जो लेबलिंग करेगा 5' एंड पर ही फॉस्फेट की लेबलिंग करता है, इसलिए बी और सी दोनों गलत है। और डी का देखते हैं, डी का यूज हम बैक्यूलोवायरस को हम यूज कर सकते हैं इंसेक्ट के वेक्टर्स के लिए, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है ए और डी दोनों ही सही है, तो इसलिए आंसर जो फाइनल आंसर रहेगा सी। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला पार्ट हम बहुत ही जल्द रिलीज कर रहे हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।